थी ना बेबू, इसीलिए बोले हैं। तो इतना माल दिखा देंगे कि एग्जाम का पेपर बना है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जहाँ पे मालवीय जी के बगिया में एक तरफ गौशाला बनाने का कार्य किया जाता है, तो यहाँ पे पेपर बनाया जा रहा है कि इस पे क्या हुआ। इनको तो पेपर यह बनाना चाहिए कि गौशाला से क्या क्या बच्चों को लाभ हो सकता है, लाभ में दूध दही के विभिन्न प्रकार इनको ये पूछना चाहिए। अगर आप कोई नया कोर्स चला रहे हैं, बच्चे होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, तो उनको अधिक से अधिक ये बताएं कि उसके उत्पादन कितने हो सकते हैं, उत्पाद क्या क्या बन सकते हैं, न कि आप ये बताएं कि गौ से उसके कितने प्रकार के मीट मांस बन सकते हैं। ये बहुत ही विचारशील मामला है। जिस बगिया में बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए कि जहाँ पे मालवीय जी ने यहाँ के बच्चों के लिए, छात्रों हित के लिए, अध्यापक कर्मचारियों के लिए दूध की व्यवस्था की, निःशुल्क दिया जा रहा था, उसको और कैसे विकसित किया जाए, यह न सोचकर यह बताया जा रहा है कि इसके मीट मांस कैसे किया जाए, बहुत ही बेकार मुद्दा। इस पे छात्र उग्र हैं। नेशनल कोर्स कुछ चलते हैं और उसी में होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग वाला जो कोर्स है, इसकी कल सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन था। उसके प्रश्न पत्र में क्लासिफिकेशन ऑफ बीफ पूछा गया और दुर्भाग्य ये है कि वो उस विश्वविद्यालय में पूछा गया जिसके जो संस्थापक थे वो गौरक्षा आंदोलन के अग्रगण्य नेता थे पूरे भारतवर्ष में। काशी में भी जो है कि महामना की प्रेरणा से कई गौशालाएँ स्थापित की गई और आज भी जो चल रही हैं, और खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी उन्होंने जो है गौशाला की स्थापना करवाई। गौ गंगा की सेवा के लिए वो सतत जो है आजीवन उन संस्थाओं में, कई संस्थाओं के तो वो अध्यक्ष भी रहे, संस्थापक भी रहे और कई संस्थाओं के जो है वो मार्गदर्शक रहे, जो गाय और गंगा दोनों की सेवा के लिए जो है सतत प्रयास करती थी। और उनके विश्वविद्यालय में इस तरह से कोर्स डिजाइन करके और प्रश्न पूछना कि बीफ और इन सभी विषयों को लेकर, नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, ये लगातार जो घटनाक्रम चल रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो हिंदू और हिंदू संस्कृति विरोधी जो घटनाक्रम लगातार नए कुलपति के आने के बाद चल रहा है, उसी की अगली कड़ी है। कहते हैं कि यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना जी ने बहुत ही कुछ सोच समझ के बनाया था और महामना जी हमेशा से गोवंश संरक्षण के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने गौशाला विश्वविद्यालय में बनाया है और उसी विश्वविद्यालय में आज बीफ पर क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बीफ की पढ़ाई कराई जा रही है, जो कि महामना के मूल्यों के कतई अनुरूप नहीं है। उससे न केवल भावना आम आदमी के हाथ हो रही है, बल्कि हम लोग महामना के मानस पुत्र हैं और हम लोगों के सामने ऐसा कुकृत्य हो रहा है। तो जिन लोगों ने यह काम किया है, जिन लोगों ने गो हत्या को बढ़ावा देने का काम किया, उन लोगों पर आपराधिक षड्यंत्र करने के मुकदमे में उचित कार्रवाई हो और विश्वविद्यालय को तत्कालीन लोगों को बर्खास्त करके एक नजीर पेश करनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।